प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है लास्ट डेट रखा गया है चौदह अक्टूबर का साथ ही साथ यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आपको दे दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नोटिस में आगे हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर देखना है कि किन किन चीजों पे आपको बताया जा रहा है ध्यान से देखिएगा बिफोर अपलाइंग डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रेगुलेशन रूल्स सिलेबस एलिजिबिलिटी डिस्कालिफिकेशन मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट्स रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट है डेली वेजेस है या फिर पार्ट टाइम है कन्फर्मेशन सीनियरिटी एज एक्सपीरियंस इन सभी चीजों को आप ध्यान से देखेंगे पहले पोस्ट पे चलते हैं पोस्ट का नाम है प्रोटोकॉल ऑफिसर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं यहां पे 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 स्केल यहां पर आप देख सकते हो कि दस से लेकर के का का प्लस का ग्रेड है चौबीस सौ रुपए इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मस्ट है ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा ऑफ वन एंड हाफ ईयर ऑफ फूड बेवरेजेज एंड हॉस्पिटिलिटी क्लियर रहेगा इसके अलावा आपको क्वालिफाइंग टेस्ट देना होगा किसके लिए कंप्यूटर टाइपिंग चलिए नेक्स्ट पोस्ट है आपका क्लर्क का रेगुलर बेसिस पे ध्यान रखेंगे रेगुलर बेसिस पे 83 पोस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 86 पोस्ट ध्यान रखिएगा रेगुलर में 83 पोस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पेटी सिक्स पोस्टेगा मिलेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल पोजिशन के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे ग्रेजुएशन पास होना चाहिए साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए टाइपिंग स्पीड की बात करू थर्टी वर्ड पर मिनट क्लियर रहेगा डिवीजन बाई ब्रेकअप देखा दिया हुआ है आपको यहाँ पे किसमें हिमाचल प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्स में कितने कितने पोस्ट रहेंगे और पे स्केल सेम रहेंगे साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड क्या है बी बी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इसके अलावा बीसीए बी एस सी पीजी और साथ ही साथ अगर आपके पास या प्लस टू और इक्वेलेंट है और बी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं DCA है तो भी अप्लाई कर सकते हैं आई टी आई डिप्लोमा कंप्यूटर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा डिप्लोमा अगर आपके पास है जिसको पॉलिटेक्निक कहते हैं तो पॉलिटेक्निक अगर आपके पास है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट है प्रोसेस सर्वर का टोटल पोस्ट रखा गया है सब सेवेंटी सेवन रेगुलर बेसिस में फिफ्टी वन और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में टेन इसके अलावा डेली बेजिस पे ध्यान रखिएगा डेली पे रेगुलर पोस्ट के लिए फोर्टी नाइन हंड्रेड से लेकर के दस हजार छह सौ अस्सी रुपए का पे स्केल एंड सोलह सौ पचास रुपये का ग्रेड पे ग्रेड पे के बाद आपका यहाँ पे टेन प्लस टू रिक्वायर्ड है नेक्स्ट जब आता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और डेली बेसिस में वेजेज और रेगोमेशन जो है फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम फिक्स किया जाएगा उसके आधार पर आपका यहाँ पे पे किया जाएगा नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपका ब्रेकअप दिया हुआ है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पोस्ट है प्यून ऑर्डरली चौकीदार प्यून कम चौकीदार उसके बाद सफाई कर्मचारी इन सब चीजों का रेगुलर बेसिस पे बेसिसन पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ट्वेंटी वन डेली बेसिस पे ट्वेल्व रेगुलर बेसिस के लिए फोर्टी नाइन हंड्रेड से लेकर दस हजार दो सौ तक का दस हजार छह सौ अस्सी रुपए तक का साथ पे स्केल है साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेड पे दिया गया है थर्टीन हंड्रेड का क्लियर रिक्वायरमेंट क्या है टेन प्लस टू पास होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट है आपका मालिक क्लास फोर का क्लास फोर में टोटल तीन पोस्ट रखे गए हैं रेगुलर बेसिस पे अगेन पे स्केल सेम रखा गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके की पोस्ट है उसके बारे में लास्ट पोस्ट आता है आपके पास स्टेनोग्राफर का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 90 रेगुलर बेसिस पे आपका 43 एंड कॉन्ट्रैक्ट पे 47 रेगुलर बेसिस वालों का अगर हम बात करें पांच हजार से बीस हजार दो सौ तो और साथ ही साथ ग्रेड पे यहाँ पे लगेगा आपका चौबीस का ठीक है यहाँ पे इनिशियल जो अमाउंट आपका रहेगा स्टार्टिंग जो रहेगी सैलरी नौ रुपए से स्टार्ट होगा और रिक्वायरमेंट क्या है ग्रेजुएट कैंडिडेट साथ ही साथ वर्ड पर मिनट हिंदी में और 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश क्लियर रहेगा नेक्स्ट पोस्ट पे अगर हम चले तो नेक्स्ट पोस्ट है आपका शेड्यूल टू पार्ट सी का ड्राइवर पोस्ट के लिए रेगुलर बेसिस पे थ्री और डेली वेजेस पे एक इन सभी की अगर हम बात करें तो ड्राइवर के लिए पांच से बीस 20 तक का दो का ग्रेड पे क्या रिक्वायर्ड है एल एम भी आपको एटलीस्ट यहाँ पे लाइसेंस होना चाहिए और ग्रेजुएशन या मेट्रिकुलेशन सॉरी मेट्रिकेशन पास आउट होना चाहिए तो ये था आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन आगे बढ़ते हैं नोट दिया गया है यहाँ पर कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं तो सबसे पहले एचपी हाईकोर्ट्स डॉट एन आई सी डॉट इन रूल्स डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी जीरो एट जीरो जीरो टू डॉट पीडीएफ ये आपका नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है आप इसको रूल्स को पढ़ेंगे क्लियर चलिए नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशन का फी क्या है तो ध्यान रखेंगे आप यहां पर देख सकते हो कि एग्जामिनेशन फी फॉर द कैंडिडेट अपलाइंग एंड वन नाइन प्लस एप्लीकेबल फॉर ऑल अदर रिजर्व कैटेगरी अदर देन जनरल अदर देन जनरल हु रिलैक्सेशन एक्सटेंशन अंडर द रूल्स एंड सेम सेल बी ऑन ऑनली ऑन ऑनलाइन मोड ठीक है चलिए

तो गाइस यहाँ पे कॉपीज फॉरवर्डेड के बारे में बताया गया है तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का रिक्रूटमेंट के बारे में नोटिफिकेशन अपडेट बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ बने रहिए हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच गाइज